गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर ग्रेविटेशन। आपने स्टार्ट किया था चैप्टर ग्रेविटेशन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में एक डिफरेंस होता है। जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है, उसको प्रयाग के ऊपर अर्थ जो हर ऑब्जेक्ट को लेकर खोलती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेकर बोलते थे ग्रेविटी बोलते थे। और ग्रेविटेशन के अंदर आपको मैंने क्या बताया था कि हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, वो क्या करता है, आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। जो यूनिवर्स के अंदर हर ऑब्जेक्ट आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपने क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद मैंने आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था, जिसके अंदर मैंने प्रूव किया था एफ जी कैपिटल एफ होने आता थे, जी का मतलब था ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू थी 6.67 या फिर 6.7 भी लेते थे, इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर कोरोना माइनस एफ फोर कैपिटल एफ एक ऑब्जेक्ट का मास बोले दूसरे ऑब्जेक्ट का मास और आर का क्या था डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट या रेडियस ऑफ जैसे मैं आपके लिए तो अपने आपकी रेडियस बात करते थे। फिर मैंने आपको ये बताया था कि दो ऑब्जेक्ट आपस में अगर मैं पत्थर देखते हैं तो क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के यूनिवर्स में चाहे वो छोटा है बड़ा है करते हैं, देखते हैं कि हमें किसी की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं देते हैं, तो इसका रीजन क्या होता है कि हमारा जो मास है आपके मुकाबले में आपके रेडियस के मुकाबले में बहुत बहुत ज़्यादा क्या है, कम है, तो इस कारण से हम एक दूसरे के ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं देते। अब अपने बात करते हैं फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हाइट से गिरता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हाइट से गिरता है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करती है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करती है, अदर कोई फोर्सेस काम नहीं करते हैं, तो उसके फॉल को अपने क्या बोलते हैं, फ्री फॉल के नाम से जानते हैं। और अर्थ क्या करती है, जब भी हर ऑब्जेक्ट को खींचती है तो अपनी तरफ सेम फोर्स से क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, 9.8 न्यूटन का फोर्स वो क्या करती है, हमेशा अपनी तरफ लगाती है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि मान लो हमने एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लो मैंने एक कोई भी 5 या 10 फीट का और एक अपने पैदल यानी पंख या बर्ड, अपने दोनों को क्या करते हैं कि ऊपर से छत पे से खड़े होकर अपने क्या देखते हैं, नीचे फेंकते हैं, जब अपने छत पे से खड़े होकर अपने नीचे फेंकते हैं तो अपने क्या देखते हैं कि जो कोई होता है वो तो क्या होता है कि पहले नीचे ही जाते हैं, क्योंकि जो पैदल होता है वो बाद में क्या होता है, नीचे गिर जाता है, तो अपने को भी लगता है कि पंख क्या बड़ा हल्का होता है, इस कारण से क्या होता है नीचे गिर जाता है, लेकिन जो कोई होता है वो भारी होता है, इस कारण से क्या होता है कि वो बाद में गिरता है। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसको एक एग्जाम्पल से और समझो, अगर मान लो अपने एक शॉट उसके दो पेपर अपने फाड़ते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं, फाड़ लेते हैं, ठीक है, दोनों का मास बराबर ही होगा, कोई एक आधे ग्राम का अगर डिफरेंस होगा तो कोई बड़ी बात नहीं। अब अपने क्या करते हैं, दोनों पेपर को अपने छत पर ले जाते हैं, एक पेपर को तो अपने क्या करते हैं बॉल बना लेते हैं और एक पेपर को अपने वैसा ही बड़ा रहने लगते हैं, दोनों का मास सेम है, दोनों को अपनी छत से फेंकते हैं, तो अपने क्या देखते हैं कि जिसको अपने पेपर को बोल की तरह बना दिया था वो पेपर तो क्या होता है पहले नीचे गिरता है, और जो अपने ने सिंपल ऐसे ही पेपर छोड़ा था वो क्या होता है कि बाद में नीचे गिरता है। तो यहाँ पे मास का तो चक्कर ही खत्म हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या है सेम है, सेम है ना, दोनों पेपर जब अपने एक ही नोटबुक से लिया तो नेचुरल सी बात है उनका मास क्या है सेम है, लेकिन फिर भी एक चीज़ पहले गिरती है और एक क्या होती है बाद में गिरती है। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जब अपने पेपर को फैला के ऊपर से गिराते हैं तो क्या होता है वो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इस कारण से उसके ऊपर एयर का रेसिस्टेंस, हवा भी तो होती है, हवा का रेसिस्टेंस एयर का रेसिस्टेंस काम करता है, तो हवा क्या करती है उसको इधर उधर उड़ा कर लेकर जाती है, तो जिसके कारण से क्या होता है कि वो बाद में गिरता है। अगर अपने एक रूम में जैसे अपना कमरा है अगर अपने इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, वैक्यूम सुना है ना आपने, जहाँ पर बिल्कुल एयर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं वैक्यूम, उसके बाद अगर अपने इसको ऊंचाई से अगर अपने दोनों पेपर्स को फेंकते हैं, को बोल बना के वो वैसे दोनों पेपर एक साथ गिरते हैं, इसी तरह से अगर अपने कॉइन और फैदर को फेंकते हैं ऊपर से तो भी वो क्या होते हैं एक साथ नीचे गिरते हैं, क्योंकि तब इसके ऊपर क्या होता है कि कोई एयर का रेसिस्टेंस काम नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण से या ग्रेविटी ऑफ अर्थ के कारण से क्या होती है नीचे गिरती है। तो यानी वो फोर्स यानी वो फॉल जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हाइट से गिरता है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ
अर्थ काम करता है, अगर कोई फोर्सेस काम नहीं करते हैं तो उसके फोर्स को हमने क्या बोलते हैं, पी फोर्स के नाम से जानते हैं। इसको सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था, गैलीलियो ने टेलीस्कोप भी बनाया था, गैलीलियो ने बनाया बताया था, गैलीलियो ने लिसा इंडियन पीस ऑफ टावर है वहाँ पर चढ़कर उसने एक मतलब बहुत भारी ऑब्जेक्ट एक लाइट ऑब्जेक्ट दोनों को एक साथ नीचे फेंका था और दोनों क्या हुए थे एक साथ नीचे गिरे थे। तब उसने क्या कहा था कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और क्या करती है हर ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती है लगाती है, इसको हमने क्या बोलते हैं फ्री फोर्स के नाम से जाना है। उसके बाद अब अपना टॉपिक है एसीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अपने ने एसीलेशन पढ़ा है, एसीलेशन का मतलब क्या होता है, द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम है एसीलेशन, यानी अगर वेलोसिटी या टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम नोन एज एसीलेशन, यानी अगर वेलोसिटी या टाइम के साथ चेंज होती है इंक्रीज ऑफ डेंसिटी तो उसको हमने क्या बोलते थे एसीलेशन के नाम से जानते थे। लेकिन अगर एसीलेशन है द एसीलेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, देखो आपने फ्रीली फॉलिंग बॉडी जरूर लगाना है क्योंकि उसके ऊपर कोई अदर फोर्सेस काम नहीं करने चाहिए। तो द एसीलेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज एसीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एसीलेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज नोन एज एसीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अगर कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है जिसके ऊपर जिसके अंदर एसीलेशन है तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण से प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको अपने क्या बोलते हैं एसीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। अब अपने इसको निकालना भी है, देखो स्टूडेंट्स अपने को पता है एफ इक्वल टू क्या होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर का स्क्वायर, यही अपना फॉर्मूला होता है। और अपने को ये भी पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, बताया हुआ आपको लास्ट चैप्टर के अंदर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लो, तो न्यूटन ने इसके सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है एफ इक्वल टू होता है एम ए। तो अपने क्या करते हैं द वैल्यू ऑफ एफ अपने क्या करते हैं वैल्यू है एफ की रख लेते हैं, एफ इक्वल टू क्या है एम ए जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर का स्क्वायर। अपने को एसीलेशन निकालना है ए जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर का स्क्वायर, इधर एम मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये कट गया ए इक्वल टू क्या हो जाएगा जी एम आर का स्क्वायर। हियर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय जी क्योंकि ए का मतलब क्या होता है एसीलेशन, यहाँ पर अपने जी को एसीलेशन रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, तो इसलिए हमें क्या बोलते हैं कि जो स्मॉल ए है उसको एसीलेशन को अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं इस चैप्टर के अंदर जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी एम होना आपका स्क्वायर, जी की वैल्यू मेरे को तो बोलते हैं 6.7 इनटू 10 की पावर माइनस 11 होती है, एम की वैल्यू 6 इनटू 10 की पावर 24, आर की वैल्यू 6.4 इनटू 10 की पावर 6 इनटू 6.4 इनटू 10 की पावर 6। ये रेडियस ऑफ अर्थ होती है, मैंने आपको एक न्यूमेरिकल परसों वाले वीडियो में बताया था वही सेम है। इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं 10 की पावर्स को सॉल्व करते हैं, 6.7 इंटू 6 को बड़ा रह देते हैं इंटू अपोन में 6.4 और 6.4 को भी सेम ऐसे ही बड़ा रह देते हैं। अब अपने 10 की पावर सॉल्व करते हैं, 10 की पावर ऊपर है माइनस का 11 प्लस का 24 माइनस का 6 क्योंकि ये प्लस का 6 है और ये भी प्लस का 6 है, तो ऊपर एक डायरेक्शन क्या हो जाएंगे माइनस का 6 माइनस का 6, तो अपने पास क्या बच जाएगा 6.7 इंटू 6 और में 6.4 इंटू 6.4 24 प्लस का है माइनस का 11 माइनस का 6 माइनस का 6 क्या हो जाता है माइनस का 24, प्लस का 24 माइनस का 23 यानी क्या हो जाता है प्लस का 1 यानी क्या बच गया अपने पास 10। इसकी रेशियो उड़ाते हैं नीचे 10, इसकी उड़ाते हैं इसकी उड़ाते हैं ऊपर 10 इंटू 10, एक टाइम से 10 कट गया अपने पास रह गया 67 इंटू 6 इंटू 100 अपॉन में 64 इंटू 64, इसको सॉल्व करते हैं तो 402200 अपॉन में 4096, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 9.8। वहाँ पे मैंने फोर्स निकाला था 9.8 लेकिन यहाँ पर क्या है जी एसीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी की वैल्यू एसीलेशन की असाइनमेंट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी जी की असाइनमेंट में क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी की यूनिट क्या हो जाएगी असाइनमेंट
अगर अर्थ से नीचे गिरता है, अर्थ के ऊपर नीचे गिराया जाता है या ऊपर फेंका जाता है, तो उसके ऊपर हमेशा जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की होती है। अब अपने बात करते हैं, मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, पढ़ी थी स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अपने क्या पढ़ी थी, v इक्वल टू u प्लस a, यहां पर अपने क्या करेंगे, v इक्वल टू u प्लस g। सेकंड पढ़ी थी s इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर, इसको अपने करेंगे h इक्वल टू ut प्लस हाफ ut स्क्वायर, यानी a के लिए आप क्या लगा रहे हो, g लगा रहे हो, और s s होती है डिस्टेंस, लेकिन अपने यहां पे क्या कर रहे हैं, हाइट ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ की तरफ नीचे जाना है, इस करके क्या बात कर रहे हैं, हाइट हाइट, तो अपने क्या करते हैं h। थर्ड अपने पढ़ी थी बी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस टू ए एस, ये आपने क्या देगा, बी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस टू जी एच। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर की साइड फेंका जाता है तो अपने जी क्या लेंगे, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर लेंगे। क्वेश्चन में टेन दे रखी हो तो बात अलग है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के नीचे फेंका जाता है तो अपने क्या लेते हैं, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर लेते हैं। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो यू क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, अगर कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो वी हमेशा क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। आपका एक्सीलरेशन मालूम करना सकते हैं, आपकी वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम कभी माइनस में नहीं आते, स्टूडेंट्स याद रखना है, अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब आपने क्या किया है, अपने न्यूमेरिकल्स करते हुए क्या किया है, कुछ गड़बड़ किया, अपने वैल्यू लगाते हुए कुछ भी गड़बड़ किए, इसलिए अपने कभी भी इसको क्या करते हैं, माइनस के अंदर नहीं लगाते। मतलब अगर अपना आंसर कोई ऐसी रेशियो माइनस में आ सकता है, कोई भी वैल्यू है, टाइम डिस्टेंस डिस्टेंस हम आपको दिए का थोड़ी ना चले जाओगे, टाइम है माइनस में थोड़ा चलोगे, पीछे चले जाओगे, तो अपने लाइफ के अंदर पीछे हम जा सकते हैं, अपनी लाइफ के अंदर ऐसा जा सकते हैं, तो अपने सब कुछ पीछे जो हमसे गलत हुआ था वो अपने क्या करके आ जाता है, सही करके आ जाता है। वेलोसिटी है कम या ज़्यादा चाहे कुछ मर्जी हो माइनस में नहीं आ सकते, सिर्फ एक एक्सीलरेशन ऐसा वैल्यू है जिसको अपने क्या कर सकते हैं, माइनस के अंदर ले सकते हैं। अब अपना एक टॉपिक है मास और एक वर्ड है वेट, आज तक अपने एक ही बार समझा है मास और वेट, अगर अपने से कोई पूछता है कि अपना मास कितना हो गया, अपना वेट कितना हो गया, अपने एक पूछते हैं कितना वेट कितना है, अपना मास कभी भी कोई नहीं पूछता। मास और वेट के अंदर क्या होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैटर यानी एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास नोन एज मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी, यानी जैसे अपनी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, यानी अपनी बॉडी के अंदर जो भी हमने लेयर ऑफ किया जो भी भार है उसको अपने क्या बोलते हैं, मास के नाम से जानते हैं। लेकिन वेट का मतलब क्या होता है, द फोर्स बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, द फोर्स बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी वो फोर्स जिससे अर्थ है हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उस फोर्स को अपने क्या बोलते हैं, वेट के नाम से जानते हैं। अपने पता है एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इनटू मास ए, तो एफ निकालने के लिए अपने हिसाब से हम क्या यूज करते हैं, जी यूज करते हैं, एफ निकालने को फोर्स, फोर्स को अपने क्या बोलते हैं, फोर्स को अपने क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, यानी वेट निकालने के लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है, एम इनटू जी, यानी अपना जो मास है, अगर मान लो अपना मास 50 केजी है, 50 केजी को अपने क्या करेंगे, 9.8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब अपना क्या होगा, वेट है वो निकलेगा, यानी जो अपनी बॉडी के अंदर जैसे तुम्हारा वेट 50 केजी है, ये हमारा मतलब मास है, ये अपना वेट नहीं है, हमेशा के समझ लें कि ये क्या है, हमारा मास है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसके अंदर मैग्नीट्यूड का पता है, 50 केजी का डायरेक्शन का पता नहीं है, इसके अंदर तो अपने को डायरेक्शन पता है, ये क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट को कहां पे खींचती है, ये फोर्स से अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो जब ये फोर्स अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, यानी इसके अंदर डायरेक्शन क्या होगी, फिक्स होगी, तो डायरेक्शन फिक्स है, यानी ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, क्या होती है, किलोग्राम।
इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, फोर्स को एक मीटर बोलते हैं, वेट बोलते हैं, इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। इसको अपने किससे मेजर करते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा सब्जी तोड़ के देता है, उसको अपने बोलते हैं इक्वल आर्म बैलेंस, या उसको अपने बोलते हैं बी बैलेंस। क्योंकि आजकल इक्वल आर्म बैलेंस है, तो पुराने टाइम में हाथ की कुल्हाड़ियां होती क्या होता है, इसके अंदर वो दोनों हाथों में इस तरह से करता है और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसको बराबर करता है। आजकल अपने दुकानों में जाते हैं तो दुकानों के ऊपर एक जिंक का लगा होता है इंस्ट्रूमेंट, उसके ऊपर वेट और मास आता रहता है, कितना मास उन्होंने किया है, तो उसको बोलते हैं इक्वल आर्म बैलेंस। और इसको हम करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, स्प्रिंग बैलेंस हमने देखा हुआ है, उसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है नीचे, उससे अपने किसी भी चीज़ को उठाते हैं नीचे स्ट्रेस होल्ड करके, उसके अंदर हुक लगा होता है, उसको अपने बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। अब है कांड जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है बच्चों जीरो, तुम्हारे अंदर चाहे दो ग्राम का मास हो तो भी मास होगा, लेकिन कैन भी जीरो, लेकिन ये क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, क्योंकि जी है वो जीरो हो सकते हैं वहाँ पर स्पेस के अंदर, यहाँ पे अगर तुम लोग स्पेस में गए वहाँ पर तुम्हारा मास 50 है, लेकिन वहाँ पर जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो वहाँ पर तुम्हारा वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तुम लोगों ने देखा होगा अपने देखते हैं जो भी स्पेस में जाता है वो विदाउट ग्रेविटी है, टूट नहीं सकता, इधर उधर वो क्या करता है, जैसे तुम लगता है जैसे हवा के अंदर उड़ रहा है, जबकि वहाँ पर हवा कुछ नहीं है, अपने को लगता रहता है कि वो क्या उड़ रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद मास के अंदर और भी है, अगर मान लो मास इज कॉन्स्टेंट, मास क्या होता है, हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, कैन नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, यानी मास है वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता। अब यूँ नहीं है कि तुम लोग अगर चंद्रमा पे चले गए तो तुम्हारा मास है 50 से 40 हो जाए, 30 हो जाए, ऐसा नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है चेंज होता है, लेकिन वेट इज नॉट कॉन्स्टेंट, वेट क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, और वो क्या होता है टाइम टू टाइम क्या होता रहता है चेंज होता रहता है। बच्चों इसके अंदर अपना दो टॉपिक रह गया, हमने क्या करेंगे क्योंकि अभी इसको किया तो हमने वीडियो बहुत कर दी है, इस कारण से इसको क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मास और वेट के अंदर डिफरेंस, और आपको वैसे भी एक नई चीज़ पता लगी कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। आज तक हमारे लिए क्या था कि अगर हम किसी से पूछते थे कोई एक्चर पूछता था तुम्हारा वेट, तो हमने कहते थे कि हमारा वेट 40-40 kg है, 50 kg है, 60 kg है।